डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 7.5 यानी कि इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 तक के कंप्लीट कर लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को 1 बाई एक्स के पावर 4 माइनस 1 था, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यानी कि 16 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 बाई एक्स इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ये मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक्स के पावर एन है भाई, देख लो। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स के पावर एन माइनस वन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे 1 तो ऊपर है तो ऊपर भी हम लोग x के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x x के पावर n प्लस 1 इंटू में x के पावर n माइनस 1 इंटू dx, यानी x के पावर n माइनस 1 जो है पावर में, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर तो कट ही जाएगा। अब हम लोग ऊपर हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस वन और बट्टा एक्स के पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है ना, एक्स के पावर वन, और फिर एक्स के पावर वन है और एन माइनस वन, हम लोग जानते हैं ना कि एक्स के पावर एम रहेगा और एक्स के पावर अगर एन रहेगा तो दोनों को ऐड कर देते हैं, एम प्लस एन लिख देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक्स के पावर यहाँ वन है और यहाँ एन माइनस वन है, तो 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, और इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, ठीक है, इंटू dx। अब 1 और माइनस 1 कट गया तो ऊपर क्या बच गया, एक्स के पावर n माइनस 1 बटा एक्स के पावर n, ठीक है, इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, ठीक है। तो अब ऐसा आ गया, देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होती है जिसको मैं हम लोगों को खुद से ऊपर नीचे पुट करना पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे करिएगा क्या कि एक्स के पावर एन माइनस वन से, एक्स के पावर एन माइनस वन से दोनों तरफ का मतलब ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमेटर का मतलब हुआ अंश और हर में गुना कर दीजिए, तो इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, एक्स के पावर एन प्लस वन को मान लीजिए टी, तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ से एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा, इसका वैल्यू लिख सकते हैं डी टी बटा में एन, यानी कि आप करिएगा क्या, सबके जगह पे टी पुट कर दीजिए, तो एक्स के पावर एन माइनस वन और डी एक्स के जगह पे हो सकता है डी टी बटा में एन बट्टा, इसको तो हम टी मान लिए हैं, नहीं, एक्स के पावर एन प्लस वन को हम लोगों ने माना है टी, तो यहाँ हो जाएगा टी, और एक्स के पावर एन का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स के पावर एन को जब टी माने हैं तो एक्स के पावर उधर हो जाएगा टी माइनस वन, यहाँ हो जाएगा टी माइनस वन, वन बाई एन को बाहर निकालेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि 1 बाई एन इंटीग्रेशन 1 बट्टा टी इंटू टी माइनस वन इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको हम लोग सबसे पहले कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से अब हम लोगों को ना एक काम करना है, काम ये कि पुट करेंगे 1 बाई टी इंटू टी माइनस वन को दो पार्ट में, एगो होगा ए बाई टी, एगो होगा बी बटा टी माइनस वन, दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई
टी इंटू टी माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो टी इंटू टी माइनस वन, टी से टी कट जाएगा तो ए से गुना करेंगे टी माइनस वन और बी को टी से गुना कर देंगे तो बी टी, और नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बच रहा है वन इज इक्वल टू ए को टी से गुना करेंगे ए टी, ए को माइनस ए वन से गुना करेंगे माइनस ए और प्लस में बी टी। इधर टी का कोई गुणांक तो है नहीं तो ज़ीरो, इधर टी का गुणांक कौन है तो ए प्लस में बी, समीकरण नंबर एक। और इधर कांस्टेंट कौन है वन, इधर कांस्टेंट कौन है माइनस ए, इसलिए हम बोलेंगे कि ए का वैल्यू हो गया माइनस वन तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए तो वन, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो इधर आएगा तो प्लस वन, तो बी का वैल्यू हो गया वन और ए का वैल्यू हो गया माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का तो इंटीग्रेशन यही है, यानी कि फिर लिखेंगे अगेन अगेन वन बाई एन इंटीग्रेशन वन बाई टी इंटू टी माइनस वन। इसी को तो हम लोग दो पार्ट में ब्रेक किए थे, एक था ए बटा टी और एक था बी बटा टी माइनस वन और इंटू में डी टी, ठीक है इंटू में डी टी। उसके बाद हम करेंगे क्या, वन बाई एन ए का वैल्यू कितना आया तो माइनस वन बटा टी प्लस बी का वैल्यू आया वन टी माइनस वन इंटू पूरा का डी टी, ठीक है। अब वन बाई एन तो सबके साथ रहेगा, माइनस वन बाई टी डी टी अलग अलग तोड़ दिए और प्लस वन बाई एन यहाँ भी कांस्टेंट और वन बाई टी माइनस वन डी टी। अब यहाँ पे माइनस को अगर बाहर करेंगे तो माइनस वन बाई एन और वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी, ठीक है वन बाई टी का क्या होगा लॉग टी प्लस वन बाई एन को बाहर कर लिए तो इसका हो जाएगा लॉग टी माइनस वन प्लस में सी। अब अगर हम बात करें वन बाई एन को कॉमन करने के लिए तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस लॉग टी माइनस वन, ठीक है और प्लस में सी। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि पहले वाले प्लस को रखेंगे बाद वाले को माइनस में रखेंगे तो प्लस हो जाएगा लॉग टी माइनस वन माइनस लॉग टी और प्लस में सी। एक फार्मूला जानते हैं ना लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बल्टा में एन, ठीक है तो लॉग एम के जगह पे टी माइनस वन और एन के जगह पे टी, तो यहाँ पे एम बल्टा एन लिखा जा सकता है। तो एक्चुअली इसको लिखेंगे क्या, वन बाई एन हो गया फिर लॉग एम बाई एन यानी कि टी माइनस वन बटा में टी प्लस सी। दोस्तों अब हम टी किसको माने थे पता, तो टी माने थे एक्स के पावर एन प्लस वन को, ठीक है तो यहाँ पे हम करेंगे क्या टी के जगह पे एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन एक्स के पावर एन प्लस वन, जहाँ जहाँ टी था उसके जगह पे हम रख दिए तो प्लस वन माइनस वन कट गया तो आंसर हो गया वन बाई एन इंटू लॉग एक्स के पावर एन बाय एक्स के पावर एन प्लस वन प्लस सी। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम लोगों को टी मानने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको हम हिंट्स के तौर पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, उसको आप सिंपल वे में आप करिएगा क्या, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है तो आप साइन एक्स जहाँ जहाँ है उसको आप टी पुट कीजिएगा, ठीक है साइन एक्स का टी पुट कीजिएगा तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हम दिखा देते हैं 17 नंबर का हिंट्स क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 दिख रहा है क्या है क्वेश्चन, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स फिर है टू माइनस साइन एक्स इंटू क्या डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले साइन एक्स को मान लेंगे टी, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी,
ठीक है, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ टी कर लीजिए, और कोसेक्स डी एक्स के जगह पे डी टी, तो ऊपर तो हो गया डी टी, नीचे हो गया 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इंटू डी टी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, पुट करना है। पुट क्या क्या करेंगे, 1/1 माइनस टी फिर 2 माइनस टी इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एगो होगा ए बटा में 1 माइनस टी प्लस बी बटा में 2 माइनस टी। इसको आप यूज करके ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। यानी कि आपको हम आधा पे हिंट्स कर चुके हैं, इस क्वेश्चन नंबर 17 को पूरा तरीके से सॉल्यूशन करके हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।